दोस्तों आज आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कोमा की XGT KM मॉडल और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके फैमिली और लोकल सिटी राइड के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि अगर आपके घर में कोई फीमेल पर्सन है जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो वो भी इस स्कूटर को बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे लोकल सिटी के अंदर, क्योंकि इस स्कूटर को राइड करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है और साथ ही इस स्कूटर में रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं है। और इस स्कूटर का सीट हाइट काफी कम रखा गया है, जिस वजह से आपके घर में अगर किसी का हाइट 5 फीट से कम भी है तो वो भी इस स्कूटर को बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं कोमा की XGT KM में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं। और इस स्कूटर के लिए दोस्तों मैं आ जाया हूँ कोमा की इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में। इनका शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। वीडियो की शुरुआत में दोस्तों आप सबसे बताना चाहूंगा कि XGT KM में आपको 3 मॉडल मिलता है। आपके स्क्रीन पे आप जो मॉडल देख रहे हैं इसमें आपको 62 वोल्ट 27 AH का लिथियम आयन बैटरी मिलता है, जिसमें आपको 85 किलोमीटर का रेंज मिलता है। दूसरे मॉडल में आपको 48 वोल्ट 26 AH का लिथियम आयन बैटरी मिलता है, जिसमें आपको 70 किलोमीटर का रेंज मिल पाता है। और तीसरे मॉडल में आपको 64 वोल्ट 28 AH का लेड एसिड बैटरी मिलता है, जिसमें आपको 60 किलोमीटर का रेंज मिलता है। आइए अब हम कोमा की XGT KM जिसमें आपको 85 किलोमीटर का रेंज मिलता है, इसके सभी फीचर्स के बारे में जानते हैं। और साथ ही दोस्तों आप सबसे बता दूं कि इस स्कूटर का कंप्लीट बॉडी पार्ट इसके फ्रंट से लेकर रियर तक आपको प्लास्टिक फाइबर मटेरियल का मिलता है, मगर इसके फिट एंड फिनिश को काफी अच्छा रखा गया है। जब आप इस स्कूटर को नजदीक से देखेंगे तो आपको ये स्कूटर काफी प्रीमियम सा नजर आता है। और अब हम इस स्कूटर के लुक और इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। स्कूटर का मीटर वाइजर आपको काफी शार्प लुक में मिलता है और इसी में आपको इसका टर्न सिग्नल इंडिकेटर नजर आएगा, जिसमें आपको नॉर्मल बल्ब दिया गया है। स्कूटर के फ्रंट पैनल पे आपको काफी शार्प एजेस के साथ काफी एग्रेसिव लुक के साथ ये स्कूटर मिलता है, जिसमें आपको LED DRL के साथ फुली LED हेडलैम्प मिलता है। हेडलैम्प स्विच को ऑन करने से इस स्कूटर का LED DRL ऑन हो जाता है। इसके बाद आप इसका लो बीम स्टार्ट कर सकते हैं, फिर हाई बीम कर सकते हैं, साथ ही इसमें पास स्विच का काम भी ले सकते हैं। स्कूटर के फ्रंट सस्पेंशन में आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलता है और इस फॉर्क के ऊपर आपको काफी स्पोर्टी सा दिखने वाला इसका फ्रंट मडगार्ड नजर आएगा। साथ ही फ्रंट में आपको डायमंड का 10 इंच का अलॉय व्हील मिलता है और इस अलॉय व्हील में आपको 310 का ट्यूबलेस टायर मिलता है और इसके फ्रंट ब्रेक में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। और अब हम इस स्कूटर के हैंडल बार में लगे स्विचेस और इसके कंसोल फीचर के बारे में जानते हैं। लेफ्ट साइड के हैंडल बार में आपको हॉर्न, टर्न सिग्नल इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम स्विच मिलता है और इसके कंसोल में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं इसमें आपको फुली डिजिटल कंसोल मिलता है। सेंटर में आप किलोमीटर पर आवर, उसके ठीक नीचे ऑडोमीटर और राइट साइड में आप बैटरी लेवल देख सकते हैं। इसी के साथ इस डिस्प्ले में आप और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स देख पाएंगे। और राइट साइड के हैंडल बार में मोड बटन, हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच, पार्किंग स्विच और रिवर्स बटन आपको मिलता है। स्कूटर के इनर बॉडी पैनल पे आपको फ्रंट में पॉकेट के साथ मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिसमें आप अपने फोन को कनेक्ट करके बस की को ऑन करेंगे तो ये आपके फोन को चार्ज करना चालू कर देता है। और फ्रंट में आपको कैरी बैग हुक भी मिलता है। स्कूटर में आपको काफी लार्ज एंड कंफर्टेबल सीट मिलता है, जिसे ओपन करने के लिए इस स्कूटर में आपको मल्टीफंक्शन की स्विच दिया गया है, जिसे आपको सिर्फ लेफ्ट की तरफ टर्न करना और आप इस स्कूटर के सीट को बहुत ही आराम से ओपन कर पाएंगे। सीट के नीचे आपको काफी स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप अपने जरूरत का काफी सारा सामान रख सकते हैं। और इस प्लास्टिक के प्लेट को अगर हटाएं तो इसके ठीक नीचे आपको इस स्कूटर का बैटरी नजर आएगा। इस स्कूटर में आपको 62 वोल्ट 27 AH का लिथियम आयन बैटरी मिलता है, जिससे आपको इस स्कूटर में 85 किलोमीटर का रेंज मिल पाता है। साथ ही बैटरी में आपको कंपनी की तरफ से 2 साल का गारंटी प्लस 1 साल का वारंटी भी मिलता है। और बैटरी को चार्ज करने के लिए इस स्कूटर के साथ आपको 71.4 वोल्ट 5 एम्पीयर का आउटपुट चार्जिंग देने वाला चार्जर मिलता है, जिससे आप इस स्कूटर के बैटरी को करीब 4 से 5 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर पाएंगे। और चार्जर में आपको कंपनी की तरफ से 1 साल का गारंटी मिलता है। साथ ही इस स्कूटर के मोटर में आपको 750 वॉट का BLDC मोटर मिलता है, जिससे आपको इस स्कूटर में 25 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड शो करता है इसके स्पीडोमीटर में। मगर जब मैं इसे राइड कर रहा था तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यह स्कूटर करीब 40-45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चल रहा है। अगर आप भी इस स्कूटर का टेस्ट राइड लेते हैं और आपको भी ऐसा फील होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस स्कूटर के मोटर में आपको कंपनी की तरफ से 1 साल का गारंटी मिलता है। स्कूटर के रियर साइड पैनल पे ध्यान दे तो आप देखेंगे ये आपको काफी शार्प और स्पोर्टी लुक में मिलता है। और पैनल के ऊपर कोमा की XGT KM आपको ग्राफिक में लिखा हुआ नजर आएगा। और स्कूटर के टेल लैंप में और टर्न सिग्नल लैंप दोनों में आपको नॉर्मल बल्ब मिलता है। रियर में आपको बाइक टाइप ट्विन स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलता है। साथ ही रियर में 10 इंच के हब मोटर में आपको ट्यूबलेस टायर और इसके रियर ब्रेक में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। इस स्कूटर के सीट हाइट को काफी कम रखा गया। अगर आपका हाइट 5 फीट या उससे भी कम है तो आप इस स्कूटर को बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे। साथ ही इसमें आपको पिलियन बैकरेस्ट के साथ काफी मजबूत सा कास्ट आयरन का ग्रैब बार भी मिलता है। स्कूटर में आपको रियर व्यू मिरर काफी स्पोर्टी और शार्प लुक में मिलता है। साथ ही कंपनी फिटेड आपको इस स्कूटर में साइड स्टैंड भी लगा हुआ मिलता है।
और काफी यूनिक डिजाइन का इस स्कूटर का पिलियन फुटरेस्ट मिलता है। स्कूटर की सेफ्टी के लिए आपको इस स्कूटर के साथ स्मार्ट लॉक सिस्टम मिलता है और काफी अच्छा लेग स्पेस मिलता है। मेरा हाइट है 5'10" और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे बैठने के बाद भी इसमें काफी स्पेस है। और अब हम लोग दोस्तों कोमाकी XGT KM को लेके चलते हैं शोरूम से बाहर और चलते हैं इस स्कूटर के टेस्ट राइड पर। अभी मैं इसे फर्स्ट मोड पे राइड कर रहा हूँ जिसमें मुझे 15 km/h का टॉप स्पीड मिल रहा है। मोड 2 में मुझे इस स्कूटर में 20 km/h का टॉप स्पीड मिल रहा था और मोड 3 में मुझे इस स्कूटर के डिस्प्ले में 25 km/h का टॉप स्पीड शो कर रहा था। और वीडियो की शुरुआत में मैं आपको जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ कि मोड 3 में इस स्कूटर में जब आप इसे राइड करेंगे तो आपको फील होगा कि इस स्कूटर में आपको करीब 40-45 km/h का स्पीड मिलता है। तो अगर आप भी इसे टेस्ट राइड करें तो अगर आपको भी ऐसा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस स्कूटर के मोटर में आपको 750 W का VLDC मोटर मिलता है जिससे आपको इस स्कूटर में काफ़ी इंस्टेंट पिकअप मिलता है। स्कूटर में आपको सीटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा मिलता है, साथ ही इस स्कूटर का सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है और सिटी में राइड करने के लिहाज से इस स्कूटर में आपको काफ़ी अच्छा फ्रंट और रियर सस्पेंशन भी मिलता है। और ब्रेक में जैसा कि आप सभी जान रहे हैं इसके फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक ऑप्शन है जो इस स्कूटर के स्पीड के हिसाब से काफ़ी अच्छी तरह काम करता है। दोस्तों अगर आप अपने फैमिली के लिए या फिर घर के किसी फीमेल पर्सन के लिए अगर आप कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं लो स्पीड सिटी राइड के लिए तो आपके लिए कोमाकी XGT KM काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि इस स्कूटर में आपको 750 W का जो मोटर मिलता है उसमें आपको काफ़ी अच्छा पिकअप मिलता है और ये स्कूटर सिटी राइड के लिए काफ़ी बेहतर भी है और आपको इसे चलाने के लिए लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। अगर आप जमशेदपुर इसके आसपास और इस स्कूटर का टेस्ट राइड लेना चाहते हैं या फिर इसे परचेज करना चाहते हैं तो कोमाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप अगर इस स्कूटर को लेने का मन बना रहे तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जमशेदपुर में इस स्कूटर का प्राइस है 76,440। और साथ ही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा ताकि मेरे इसी तरह के और नए वीडियो आप तक पहुँच सके।